जब आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो और चाहते हो कि वो फिलिंग भी हो और देर तक आपको भूख ना लगे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी में हम बस 4-5 इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक बहुत ही स्वीट और टेस्टी स्नैक आइटम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से होली के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए कुछ ब्रेड के पीसेस। मैंने यहाँ पर होल व्हीट ब्रेड का यूज किया है और उनको ट्रायंगल शेप में काटा है। आप कोई भी ब्रेड लेके इसको बना सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है एक बॉल ल्यूप वार्म मिल्क। और मीठे के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज किया है। आप नॉर्मल शुगर या गुड़ यूज कर सकते हैं। और ब्रेड को फ्राई करने के लिए लिया है मैंने घी। आप इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद इस डिश को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। लास्ट में गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे कुछ रोस्टेड चॉप्ड पिस्ताचियोस। सबसे पहले जिस बोल में हमने दूध लिया है उसमें हम मिला देंगे स्वाद के हिसाब से चीनी या गुड़। इसके बाद मिला देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून कोई भी मिल्क पाउडर। इससे मिल्क की थिकनेस बढ़ जाती है और साथ ही इस ब्रेड टोस्ट को एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है। बस अब हमें दूध को स्टर करके इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देना है। अब हमें लेना है एक पैन। कोशिश करिए कि ये पैन नॉनस्टिक हो, और अगर आप लोहे का तवा यूज कर रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से सीजन कर लीजिए, नहीं तो हमारी जो ये ब्रेड के टोस्ट है ये पैन में चिपक जाएगी और उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा पैन पहले से ही सीजन है, तो पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर चारों तरफ से लगा देंगे एक अच्छी सी कोटिंग देसी घी की। घी के खुशबू से इस टोस्ट में एक डिवाइन सी स्मेल आ जाती है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे और इस दूध के मिक्सचर में डुबोकर अच्छे से इसको सोक कर लेंगे और इस तवे पे फ्राई कर लेंगे। इन ब्रेड्स के ऊपर ब्रश के सहायता से घी की एक कोटिंग लगा दीजिए। इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और जब इसको आप पलटेंगे तो ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होकर फ्राई होंगे। एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद ब्रेड को दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। देखिए कैसे लाल लाल होकर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग भी आ गई है। अगर आप चाहे तो ब्रेड के ऊपर भी 1-2 चम्मच दूध और डाल सकते हैं। इससे ये ब्रेड और भी ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब इनको हम निकाल लेंगे। खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट, क्रिस्पी और यमी लगते हैं। जब कभी भी ब्रेड्स बच जाए या आपको कुछ मीठा स्नैक्स खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और अगर आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी इसको आप बना के ले जा सकते हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। आप इसको बनाइए और कमेंट्स में लिखिए कैसा लगा आपको। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए रेसिपी के साथ। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।